हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गुड मॉर्निंग हो चुकी है, नहा धो के हो चुका हूँ रेडी, चाय बन रही है और लंच भी कर लिया है, बना लिया है। अब चाय पियेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद निकलेंगे यहाँ से ड्यूटी। और आज काम क्या है? दो काम तो मेरे को दिख रहे हैं कि MES से कॉन्ट्रावेट उठाना है और दूसरा कल जो मैं एयरपोर्ट के पास में गया था वहाँ पर डोजर की करवानी है असेंबली। तो देखते हैं मैं दोनों जगह जाता हूँ या किस लोकेशन पे जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ काम करने के, वो तो प्लानिंग जब जाएंगे गैराज उसके बाद में पता चलेगी। तो चलिए आज के दिन की, आज के ब्लॉग की करते हैं शुरुआत। जय श्री महाकाल। तो मेरा चाय और आलू पराठा रात का था तो मैंने उसको गर्म कर लिया है और जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए, ब्रेकफास्ट करके और उसके बाद निकलेंगे यहाँ से गैराज। फ्रेंड्स अभी रूम से आए थे गैराज और गैराज से बूम ट्रक लेके चल दिए हैं मेन गैराज में, चला रहा है पागल आदमी। चलते हैं गैराज, वहाँ से देखते हैं क्या प्लानिंग है क्या नहीं है, उसके बाद में पता चलेगा कौन से काम पे जाना है या वेट सुना है, वेट करना है क्या करना है। आ चुके हैं गैराज में, क्रेन वैन बाहर निकाल चुके हैं, बाहर निकाल के बैठे हैं रोड के ऊपर में। अभी कुछ काम वगैरह आया नहीं है और कॉन्ट्रावेट का अभी कुछ प्लानिंग हुआ नहीं है। बोला है कॉन्ट्रावेट लेके आना है, कब लेके आना कुछ बताया नहीं है अभी। तो बैठते हैं आराम से, ये लड़का कर रहा है सफाई और फिर काम आता है तो निकलते हैं काम पर। तो फ्रेंड्स अभी एक काम आया हुआ है जो कल पेंडिंग रह गया था कंटेनर का, तो अभी 30 टन की क्रेन ब्रेकडाउन हो रखी है तो वो जा नहीं रही, तो मैं जा रहा हूँ 50 टन की क्रेन लेके एक्सन जी, वो कंटेनर को करूँगा ऑफलोड और फिर वापस आ जाऊँगा गैराज, क्योंकि वो 17-18 टन के आसपास है कंटेनर। 30 टन की क्रेन लेके जा रहा था बट वो ब्रेकडाउन हो गई है, इसीलिए मेरे को ये लेके जाना पड़ रहा है। फ्रेंड्स मैं क्रेन लेके निकल गया हूँ और जाके ऑफलोड करके वापस आना है गैराज। काता करान ट्रांसेक ट्रांसेक। फ्रेंड्स कंटेनर उतार दिया है नीचे और अब निकलेंगे वापस गैराज। फ्रेंड्स काम करके मैं कंटेनर उतार के आ गया और ये आया है हमारी कंपनी में नया मेंबर, जस्ट अभी आया है और ये होगा ऑफलोड या फिर जाएगा डायरेक्ट साइट पे। और यहाँ चल रहा है कंपनी के गैराज में ऊट पटान काम, इधर का कंटेनर उधर, उधर का कंटेनर इधर, इधर का मटेरियल उधर, उधर का इधर, बस यही खाली नहीं बैठना है आपको। फ्रेंड्स अभी एक काम आया हुआ है कुछ कंटेनर का, क्रेन लेके निकला हूँ गैराज से, देखते हैं वहाँ पर क्या करना, अपलोड करना है, मटेरियल निकालना है, जो भी है वहाँ चलते हैं तब पता चलेगा। तो फ्रेंड्स कंटेनर कर दिया मैंने ऑफलोड और यहाँ से निकलते हैं अब गैराज। और जिस लोकेशन पे आया हूँ ये इंडियन का है पूरा, ये जितनी ईंट वगैरह बनी दिख रही है ये सब इंडियन का ही है, एक ही ऑनर है इसका। शाम हो चुकी है, जा रहे थे अभी गैराज और छुट्टी का टाइम भी हो गया, इतना जाम लगा रखा है इन लोगों ने क्या बताएं। ये रहा सामने हाइपर पसारो, फ्रेंड्स अभी एक काम आया हुआ है और इंडियन का है तो जाना है मुझे कंटेनर अनलोड करने के लिए, कंटेनर का काम है और कंटेनर का वेट है 30 टन, दो कंटेनर है उसको नीचे उतारना है, उतार के फिर वापस आ जाएंगे गैराज। तो एक कंटेनर तो हमने कर दिया है खाली। बिल मिलेगा क्या? बिल ऑफिस में मिलेगा आपको। हाँ आप उधर बता दो। नहीं उधर अभी आज नहीं मिलेगा। हाँ, कल 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 मिल जाएगा, मैं उधर आने के बाद आपको फोन करूंगा। ओके ओके। फ्रेंड्स फाइनली दोनों कंटेनर कर लिए हैं अनलोड, गैराज में आ चुका हूँ और क्रेन इधर पार्क कर दी है
और अब लेते हैं बूम ट्रक और चलते हैं दूसरे गैराज उनके पास, वहाँ इसको पार करके निकलेंगे रूम। आज बहुत लेट हो गया, गुलाम भाई को भी नाइट में ड्यूटी जाना है और वही रोड पे झंडे वाला काम उनका। फ्रेंड्स, क्रेन लेके मैं निकल गया हूँ रूम की तरफ, रूम ट्रक पार करके रूम निकलूंगा। गुलाम भाई फोन आ रहा है, 7 बजे से उनकी ड्यूटी है और 7 बज चुके हैं। बोल रहे हैं कब तक आओगे आप, तो मैं बोला मुझे आने में टाइम लगेगा अभी, तो आप जाओ ड्यूटी। तो वो जा रहे हैं और मैं जा रहा हूँ गैराज। खाना आई थिंक उन्होंने बना दिया है, शायद कंफर्म नहीं है, बस शायद बना दिया है। बिग टाइम यू टेक ली सेंक मेल सेंक मेल अंगोरली सिकरे अमी मी नी नी बाबा ट्रोआ मेल बिग मसारी वाला है। पता नहीं। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं पहुंच गया हूँ रूम पर और जा रहा हूँ रूम पे, देखूँ गुलाम भाई क्या कर रहे हैं, क्या बनाया उन्होंने, क्या नहीं बनाया, क्योंकि अभी ड्यूटी निकलने वाले, अभी निकले नहीं है। तो फ्रेंड्स, रूम पे आ चुका हूँ। गुलाम भाई पता नहीं क्या क्या लेके आए हैं, काटे पीटे बनाए हैं। क्या है भाई, ये तो चावल हैं बन रहे हैं अभी, और इसके अंदर क्या है, मुझे लग रहा है चिकन वगैरह कुछ है ऐसा सीन। तो चलते हैं, चेंज करते हैं कपड़े और फ्रेश होते हैं उसके बाद में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, खाना निकल चुका है गुलाम भाई का भी, वो जाएंगे 8:30 बजे ड्यूटी, अभी बज रहा है टाइम 8, तो मैं कहा कि बाद में मैं अकेले खाऊंगा, तो चलो साथ में ही खाते हैं। तो गुलाम भाई तो रेडी हो चुके हैं ड्यूटी जाने के लिए, तो हम खाते हैं खाना और उसके बाद में करेंगे रेस्ट। तो अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।